ओके आज हम लोग कोटा जा रहे हैं, हमारा सामान पैक हो चुका है, ये हमारा क्लॉथ बैग हो गया, ये हो गया एलन बैग जिसमें हमारी बुक्स है जितने मैंने लेके आया था मार्च में, ये हमारे कुछ खाने पीने के सामान आइटम यू कैन सी। हाँ हाँ देख हाँ देख रहे हैं देख रहे हो इतना सामान मुझे मिल रहा है खाने के लिए बस रास्ता भर के नहीं नहीं हो जाएगा नहीं नहीं हम सीट पे नहीं बिछाते नो नो इट्स सैनिटाइजर रख लिया। ये हमारी बस है जिस हम लोग पटना जाएंगे जो बिहार सरकार की बस है गवर्नमेंट बस। ये हमारे भैया जो हमें छोड़ने आए बहुत अटेंटिव मोड में रह रहे आजकल, हमने किटकैट दिया खाने के लिए सबसे पहले मोतिहारी आज हम जो मोतिहारी गांधी में I will record my travel journey and the first vlog that you can relate any of this. So continue watching. मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा तू हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं नम पटना कोर्ट पटना स्टेशन के जस्ट बगल में जंक्शन नंबर 1 लाइक ये हो गया पटना जंक्शन आपका ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो गया हनुमान मंदिर लाइक यू कैन सी दैट इट वाज अ सडन प्लान इन मॉर्निंग ऑन 30 ऑफ जुलाई दैट वी आर गोइंग कोटा एंड आई फाउंड दैट कॉल टिकट इन पटना कोटा ऑन 31st ऑफ जुलाई एंड देन आई बुक दैट तो मैं प्रैक्टिकल के लिए घर गया था तो पिछले 5 महीने मैंने अपने घर पे बिताया एंड आई एम रेडी टू गो कोटा एंड सुपर एक्साइटेड टू कनेक्ट माय जर्नी अगेन। तो हम लोग बाहर आ गए और इस बार कोई कोविड चेक पोस्ट था नहीं कोविड चेक करने के लिए देन वी बुक्ड एन ऑटो टू कंटिन्यू। सो वी आर गोइंग टू सत्यार्थ जवाहर नगर बिकॉज मेरा मन हो रहा था कि मैं इस बार सत्यार्थ के साइड रहूँ। फ्रॉम स्टार्टिंग आई वॉज इन लैंडमार्क सिटी एंड आई वॉन्ट टू चेंज माई रूम फॉर अ न्यू लोकेशन विद अ न्यू वाइब्स। ये भाई हमें ट्रेन के कोच में ही मिला था, हमारे ही बगल में बैठा था तो इनको भी सत्यार्थ में ही रूम लेना था सो हम लोग साथ ही जा रहे थे देखने। ये केसर पार्क है जो सत्यार्थ के जस्ट बगल में ही है। वेयर आई एम सर्चिंग फॉर द रूम्स बट आई डिडंट फाउंड इट देन आई वॉज गोइंग टू हनुमान मंदिर कॉलोनी इट वॉज इन फ्रंट ऑफ द पेट्रोल पम्प सत्यार्थ टू। आई हैव ए क्लासमेट ऑफ माई स्कूल दैट सी लिव्स अराउंड देयर एंड इट इज़ द टेरिस व्यू ऑफ द जवाहर नगर कॉलोनी। मैंने बहुत सारे पीजी देखे फिर हमारा सडन डिसीजन हुआ कि नहीं इस बार हम लोग लैंडमार्क में ही फॉर ए मंथ रहेंगे उसके बाद जहाँ रहना होगा वहाँ देखेंगे। फिर हमने पीजी देख लिया फिर हम लोग वी आर गोइंग बैक टू आवर ओल्ड रूम इन लैंडमार्क सिटी। ओके दिस इज माई फर्स्ट रूम इन विच वी आर गोइंग एंड वी विल स्टे इन दिस रूम। तू,
सो लेट्स स्टार्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ द थिंग्स एंड क्लॉथ्स वेयर यू कैन सी हाउ हार्ड वर्किंग आई एम। My father was attending all of the calls that was pending due to network issue in train. आफ्टर डैट उस मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। फिर मैंने पापा के लिए तत्काल टिकट बुक किया एंड मैंने जितने भी आई गेव देम ऑल ऑफ द अनयूजुअल लगेज आई फाउंड एंड आई इज गोइंग टू ड्रॉप देम एट द स्टेशन बिकॉज द लगेज वॉज टू हैवी। फिर हमारी कैब आ गई एकदम एग्जैक्ट टाइम पे सो वी आर गोइंग। फिर क्या इट इज ऑलवेज विद द सुपर इमोशनल पार्ट दैट योर पेरेंट्स वर गोइंग बट वी हैव टू स्टे विदाउट देम विथ आवर ड्रीम्स एंड डिटर्मिनेशन। हमारे कैब वाले भैया कुछ ज़्यादा ही फास्ट थे, उनका भी कोई वेट कर रहा था स्टेशन पे। एंड आवर ट्रेन इज एट द राइट टाइम विदाउट एनी डिले एंड वी आर गोइंग एट द V3 कोच वेयर डिस्प्लेड एट द स्टेशन। फिर पापा अपनी सीट पे बैठ गए और अपना सामान सब शिफ्ट हो गया। फिर हम लोग अपने रूम के लिए निकल रहे थे। ये थी मेरी 32 घंटों की छोटी सी जर्नी मोतिहारी से कोटा तक की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दैट देन थम्स अप द लाइक बटन एंड ड्रॉप डाउन योर कॉमेंट।